खबर गाजियाबाद से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग हादसे में 8 साल के बच्चे की बॉडी निकाली गई है। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, साथ ही मामले पर जमीन के मालिक और बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश के साथ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि हादसे में एक मजदूर की मौत हुई थी और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब एक और 8 साल के बच्चे की डेड बॉडी निकाली गई है। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी, हादसा हुआ था, इसमें एक और मौत हो गई है, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा 2 पहुंच गया है। 8 साल के बच्चे की डेड बॉडी निकाली गई है, मासूम से बच्चे की डेड बॉडी निकाली गई। जब परिजनों ने बच्चे का शव देखा तो उनके आंसू थम नहीं रहे थे। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद जमीन के मालिक और बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अभी तक हमारे पास 8 लोग आए हैं, इसमें एक डेड बॉडी आई है। 3 पेशेंट हमारे यहाँ, 7 पेशेंट और आए थे टोटल, उसमें से 1 डिस्चार्ज हमने कर दिया और 3 पेशेंट हमने रेफर किए हैं GTV हॉस्पिटल, और 3 अभी हमारे यहाँ हैं, वो सभी स्टेबल हैं। नहीं, उनमें से 2 पेशेंट के हेड इंजरी थी, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, इसलिए हमने लाइफ सपोर्ट के साथ उनको वहाँ GTV हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी उनमें से एक बच्चा था, एक जिसमें हेड इंजरी थी मदर को, उसका था, वो सीरियस नहीं था, वो स्टेबल था, इसलिए। तो अब हम लोग तो काम कर रहे थे, हम लोग थोड़ी पता था कि गिरेगी। हाँ जी, दरार तो आ रही थी, लेकिन बिल्डर को बोला, बताया, जो मुंशी था उसको बताया, यहाँ सब लोगों ने देखा तो बोला कि इसमें दरार आ रही है। बोल रहे कोई बात नहीं, उसमें मसाला लगा दो, सब ठीक हो जाए, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम लोग काम करो। तो हम लोगों ने बोला अभी टाइम हो गई दोपहर के बाद करेंगे, नहीं, बोल रहे अभी से करो 7 बजे तक। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, हम सुन रहे थे पीड़ित की बाइट के किस तरीके से वो कह रही थी कि दरार आ गई थी, इशारा मिल गया था कि बड़ा हादसा होना है, दस्तक दिख रही थी, दस्तक हो गई थी, लेकिन इसके भी बाद भी नजरअंदाज किया गया। कितने लोगों की जान गई इसकी वजह से? अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 2 लोगों की जान चली गई और करीब 8 लोग घायल है, इसमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक बची, उनको दिल्ली के GTV अस्पताल भेज दिया, क्योंकि लापरवाही इससे साफ उजागर होती है। केवल सबको अपना मोटा मुनाफा चाहिए, चाहे उसमें किसी की भी जिंदगी ना बचे, क्योंकि जिस प्रकार का हादसा आया है, एक तो बिल्डर की तो इसमें लापरवाही है, लेकिन लापरवाही उन लोगों की भी है जिन्होंने इसको NOC दी थी, क्योंकि NOC के जो नॉर्म होते हैं वो बहुत होते हैं और बहुत ना देना पड़े उसके लिए भ्रष्टाचार है, और आप पैसे देखो NOC ले सकते हो, ये कहीं ना कहीं जो पूरा खेल है ये सामने आया है, और इसी खेल के चक्कर में जो घटना है ये सामने देखने को मिली है, जिसमें बिल्कुल दीपक 2 लोगों खेल खेला गया, इसलिए मौत का खेल भी हमने देखा। शुक्रिया तमाम।